खबर लुधियाना तो है। देश भर के व्यापारियों वालों एकजुट होकर BAP पार्टी का निर्माण किया गया है। लुधियाना विच इसका ऐलान किया गया। पार्टी के कौमी प्रधान तरुण बावा की अगवाई हेठ वड्डी तादाद च व्यापारी इकट्ठे होए अते मिशन पंजाब 2022 लहर के तहत पार्टी वालों आगामी विधानसभा चोणां लड़न का ऐलान भी किया गया अते कहा गया कि पार्टी 117 सीटां ते अपने उम्मीदवार खड़े करेगी अते विधानसभा का मोर्चा फतेह करन तो बाद 2024 ते उन्हां दी नजर होवेगी। व्यापारियों ने हरियाणा के किसान आगू गुरनाम सिंह चंडूनी नू अपना समर्थन दिता है अते कहा है कि ओह उन्हां दी अगवाई च पंजाब अंदर मिशन फतेह करनगे। तां दस दिए कि कुछ दिन पहलां गुरनाम सिंह चंडूनी वल्लों इह गल कही गई सी कि मजदूरां और व्यापारियों नू चोण लड़नी चाहीदी है। उन्हां ने किसानां दी वी गल कीती सी कि किसानां नू वी चोण मैदान च उतरना चाहीदा है, लेकिन उन्हां नू किसान जथेबंदियां ने सस्पेंड कर दिता सी। लेकिन हुण वड्डी खबर सामने आ रही है कि व्यापारियों वल्लों BAP पार्टी दा निर्माण कर दिता गया है। आगामी विधानसभा ਚੋਣਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਪੀ ਮੇ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਕਮ ਰਹਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾ ਜੋ, ਇਸ ਲਈ UP ਮੇ BJP ਕੋ ਹਰਾਣੇ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰੇਂਗੇ। ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਬ ਚੁਣਾਵ ਆਏਗਾ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ BJP ਕੋ ਹਰਾਣੇ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਓ ਸੇ ਰਾਜ ਛੀਨਣੇ ਕਾ ਕਾਮ। ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਬਾਪ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖਾ ਹੈ व्यापारियों की पार्टी है। व्यापारियों ने हमें समर्थन देने के लिए, व्यापारियों ने मिशन पंजाब का सहयोग करने के लिए हमें यहाँ समर्थन दिया, समर्थन दिया और वो समर्थन दे रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो पूरे देश का व्यापारी, पूरे देश का व्यापारी आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के व्यापारी साथ हैं और हम इनके धन्यवादी हैं। गठबंधन की कोई भी वो तो बाद की बातें हैं, जो भी होगा अभी तो उसकी शुरुआत है। अभी तो पहला कदम है जो देश के पूरे देश के व्यापारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक इकट्ठे होके जो ये कह रहे हैं कि आपकी सोच बिल्कुल सही है, हम उस सोच के साथ में। समा थोड़ा वा 2022 का स्पष्ट कर दो कि मिशन 2022 जिहड़ा वा की हैगा वा चुनावी साल का मिशन। मिशन 2022 ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां आज तक देश को लूटने की या मौजूदा नीतियां बनाने की दोषी रही हैं उन पार्टियों से राज छीन के नया चेहरे सामने लाए, ईमानदार संघर्षी लोगों को राजनीति में लाएं और जब ईमानदार और संघर्षी लोग राजनीति में आएंगे और फिर कुछ नया करके दिखाने का प्लान है, जैसे कुछ नया बदल के दिखाने का, जैसे राजनीति पहली चल रही है हर जगह रिश्वतखोरी, हर जगह लूटपाट। अब ये व्यापारी हैं, इनको व्यापारी नहीं करने देते, 10 तरह के महकमे आते हैं कागज उठा के, तो उन चीज़ों से सारियों से छुटकारा दिला के दिखा दें। गरीब आदमी है जिसको रोटी नहीं मिलती उसको रोटी मिले, जो इलाज नहीं करा सकता उसका इलाज हो, जो पढ़ नहीं सकता उसको पढ़ाई हो, ये सब चीजें अगर हम करके 117 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा। 117 पे पूरी पे देखिए 117 पे ही लड़ेंगे। देखिए 117 पे देखिए अभी शुरुआत मैं बता रहा हूँ, अभी शुरुआत है। जब सीटें 117 हैं तो चुनाव तो 117 पे ही होगा ना। लेकिन देखिए ये तो हमें तो इन्होंने नया समर्थन देने के लिए बुलाया है और हर जगह पे ये कोई जरूरी भी नहीं होता, वहाँ जो प्रोग्राम करते हैं किसानों के वहाँ पे 2 मिनट का मौन रख के फिर शुरू करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रगान करके शुरू। बाबा जी तुसी स्पष्ट कर दो जी समर्थन दिता वा चुनी साहब नु किस तरह का समर्थन है। देखो इस तरह है, आज पूरे देश का व्यापारी परेशान है। 1947 तो लेके आज तक सब व्यापारियों नु साडा बंदा मान सम्मान नहीं मिलया, सानू चोर कहा गया, सानू बेईमान कहा गया, सानू इन्ना जलील किया गया, साडे फैक्ट्रियां विच साडे कारखानियां च रेडां मारियां गईयां। इस करके पूरे देश का व्यापारी आ जाए, सिर्फ लुधियाना का नहीं, देश के 29 स्टेट्स और सब यूनियन टेरिटरीज तो सारे व्यापारी एसोसिएशनों के अध्यक्ष आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये भारत का पहला इतिहास है जो लुधियाना में, जो पंजाब में, ये पूरा हिंदुस्तान एक व्यापारियों का गुलदस्ता इकट्ठा हुआ है, सारा व्यापारी परेशान है। इसलिए हमने मन बनाया है भी हम अब व्यापारी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे
और चुन्नी साहब उसकी अगुवाई करेंगे। चुन्नी साहब की अगुवाई में संघर्ष करो, और केवल पंजाब से होते हुए, केवल पंजाब में ही नहीं, हर यूपी, हिमाचल, राजस्थान, और 2024 हमारा व्यापारियों का, मजदूरों का और किसानों का सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की अगुवाई में हमारा लक्ष्य होगा लोकसभा। लोकसभा में खुद आकर हम अपने बिल ठीक कराएंगे, हमारे व्यापारियों की जो गलत पॉलिसीज है उन्हें ठीक कराएंगे, और सबसे पहले हम किसानों के बिल ठीक करेंगे, उसके बाद व्यापारियों के लिए टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे। 1947 से आज तक कभी भी टैक्स रिफॉर्म नहीं आया, हम टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे, इनकम टैक्स और GST को खत्म कर एक टैक्स लेके आएंगे जिसे कहा जाएगा बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। लुधियाना तो प्रदीप भंडारी दी रिपोर्ट। फ्री लीफ आयुर्वेदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म दी दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनियां कई बीमारियां दा इको एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वेदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर, कब्ज़ तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज़ तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज़ हर चूरन। कब्ज़ हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज़ तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।